हाय स्टूडेंट, जीआरटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हम अपने एमएस अपने हम क्या करें, अपने विंडो पे काम कर रहे हैं तो हमको अगर जो कोई फोल्डर बनाना है तो कैसे फोल्डर बनाएंगे, एक साथ कई सारे फोल्डर बना तो कैसे एक साथ कई सारे फोल्डर बनाएंगे, कुछ ऐसे फोल्डर होते हैं जिनके नाम से फोल्डर नहीं बनते वो कैसे बनाएंगे, एक नाम से अगर हमको दो फोल्डर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये हम लोग जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक न्यू फोल्डर बनाना है, सिंपल ए आ रहा समझ में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे जब राइट क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो आएगा इसको क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप मेनू का। अब किसी डेस्कटॉप मेनू बार में एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यू का, क्या दिखाई देगा, अब जैसे हम न्यू में जाएंगे तो एक दिखाई देगा फोल्डर ऊपर, दिख रहा सबको ना, क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर बन के आ जाए, दिख रहा सबको। लेकिन हम चाहते हैं ये तो हम माउस के सहारे बना, सिर्फ कीबोर्ड के सहारे बनाना हो तब क्या करेंगे हम, तो हम कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल, क्या दबाएंगे कंट्रोल, उसके बाद से शिफ्ट, क्या दबाएंगे शिफ्ट, और शिफ्ट के बाद से दबाएंगे हम यन। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा फोल्डर, अब दिख रहा है ना, चलिए अब हमको क्या करना है, एक फोल्डर बनाना। तो उसके लिए हमने शॉर्टकट की बता, आपको पहले क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यन, पहले क्या दबाएंगे हम कीबोर्ड से कंट्रोल, और कंट्रोल के बाद से शिफ्ट, और शिफ्ट के बाद क्या दबाएंगे यन, तो एक न्यू फोल्डर बन के आ जाए, क्या बन के आएगा न्यू फोल्डर। अब चलिए हमने क्या किया कि कीबोर्ड से बनाना है, बस दबाए कंट्रोल शिफ्ट प्लस यन, एक न्यू फोल्डर बन के आया यहाँ पर, दिख रहा सबको ना। और अब जो माउस से बनाना था हम क्या करते, राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे न्यू, और न्यू पे जाएंगे क्या दिखाई देगा फोल्डर, कितना फोल्डर बना अभी तो, लेकिन हम ये चाहते हैं कैसे, तो हमको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और हमको फोल्डर बनाना है ए नाम से, बी नाम से, सी नाम से, डी नाम से, ऐसे करके हमको कई सारा फोल्डर बनाना है, आ रहा है समझे ना। अब इसका इस्तेमाल कब करना पड़ेगा कि सपोज करिए कि आप कहीं आपका सर जन सेवा केंद्र, आ रहा है समझे ना, आप क्या कर रहे हैं किसी के साथ मिलकर ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप सबका डाटा तो एक पास रखेंगे, सबका अलग अलग फोल्डर पे रखेंगे ना, तो आप ये चाहेंगे जिसके नाम से है उसके नाम से हम पहले एक फोल्डर बनाए, यानी कि अगर जो 10 लोग का है तो 10 लोग के नाम से हम एक फोल्डर बना लें, उसके बाद से सबका डाटा हम अलग अलग फोल्डर में रखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 10 फोल्डर एक साथ बनाना, आ रहा है समझे ना। तो एक साथ 10 फोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा नोट पैड, क्या ओपन करना पड़ेगा, तो नोट पैड ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो विंडो प्लस आर करेंगे, क्या करेंगे विंडो प्लस आर, और यहाँ टाइप कर देंगे नोट पैड, क्या टाइप करना है नोट पैड, और फिर हम कर देंगे ओके, तो ये हमारा क्या ओपन होके आएगा नोट पैड। अब हमको एक साथ कई सारा फोल्डर बनाना है ना, तो उसको बनाने के लिए एक छोटा सा इसमें फार्मूला होता है जो बोला जाता है एमडी, क्या बोला जाता है एमडी, यानी हमको फोल्डर का नाम लिखने से पहले ये एमडी हमको यहाँ पे फार्मूला लगाना, आ रहा समझ में। अब जैसे हम एमडी लिख लिया, अब आपको जितने नाम से फोल्डर बनाना है, जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि ए नाम से, बी नाम से, सी, डी, ए, एफ, जी, एच, दिख रहा है सबको ना। अब ये नहीं बल्कि किसी का नाम रखना हो तो नाम भी रख सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी नाम से बनाना हो, नाम टाइप करते जाएंगे और स्पेस करते जाएं, आ रहे समझे ना। यानी कि सपोज करिए आपको क्या करना है, राम नाम से, मोहन नाम से, ऐसे बनाना है तो टाइप कर यहाँ पे राम हो जाएगा स्पेस, फिर टाइप कर लीजिए श्याम, उसके बाद स्पेस, फिर मोहन, उसके बाद सोहन, कितना नाम टाइप किया अभी, चार, राजन, सूरज, रोहन भी है, रोहन, अभी कितना नाम टाइप कर दी, सात। अब इतने नाम से हमको एक साथ फोल्डर बनाना है, जितना बनाना वैसे टाइप करते हुए चले जाए, आ रहा है समझे ना। अब करना क्या, आपको इसको सेव करना इस वाले फाइल, उसके लिए कहाँ जाना है आपको, फाइल कहाँ जाना है, फाइल, फाइल पे जाए तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेव,
क्या दिखाई देगा, सेव पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा ये कहाँ सेव करना है। तो जहां पे आपको एक साथ कई सारे फोल्डर बनाना है ना, वही लोकेशन आपको चूज कर, जैसे हमको डेस्कटॉप पे बनाना है तो डेस्कटॉप लोकेशन लेंगे, डी ड्राइव में बनाना है तो डी ड्राइव लोकेशन लेंगे, सी ड्राइव में बनाना है तो सी ड्राइव लोकेशन लेंगे, डेस्कटॉप के अंदर कोई फोल्डर है उसके अंदर बनाना था वो वाला फोल्डर पहले से लेकर आ रहा है, समझे ना। जैसे डेस्कटॉप पे बनाना था हम लोकेशन कहाँ ले लिए, डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के पास से जब हम सेव करने आएंगे ना तो हमको जो नाम टाइप करना है, आ रहा है समझे ना, जैसे हम यहाँ पे नाम देना चाहते हैं फोल्डर है तो फोल्डर का नाम टाइप कर देंगे, तो नाम दे दिया यहाँ पे फोल्डर, क्या दे दिए फोल्डर। लेकिन एक यहाँ पर भी थोड़ा सा काम करना है, और वो काम क्या है कि स्पेस नहीं देना है, बिना स्पेस के इसमें लिखना है डॉट बी ए टी, क्या लिखना होगा डॉट बी ए टी, यानी कि आपको जो भी नाम लिखना है, आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो भी फोल्डर की जगह पे आप अपना नाम लिख सकते, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है डॉट बी ए टी लगाना जरूरी है, और यदि आप बीच में स्पेस दे देते हैं तो भी ये काम करने वाला, यानी कि आपको नाम देने के बाद से यहाँ ऐसे स्पेस नहीं करना, दिख रहा है ना कि हम यहाँ पे नाम लिखे और नाम लिखने वाला हम स्पेस कर दें यहाँ पे डॉट बी, दिख रहा है ना, तो भी ये काम नहीं करेगा। आपको क्या होना चाहिए, फोल्डर के बाद से बिना स्पेस के आपको लिखना है डॉट बी, और इस फाइल के यहाँ क्या कर लेना है सेव, जैसे हम सेव करें उसको तो क्या क्या कर देना है क्लोज, जब क्लोज करेंगे तो आपको एक फोल्डर नाम से यहाँ पे क्या इसी नाम से बनाना है ना, दिख रहा है सबको ना। अब कुछ नहीं करना, बस आपको इस पे डबल क्लिक कर, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो कितना नाम भरे थे, क्या होते नाम फोल्डर बन के आया, राम श्याम मोहन सोहन, तो क्या नाम दिया राजन, और उसके बाद से सूरज, उसके बाद से सबको एक बार और बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाए हैं, हम पहले ये किए हैं इन सबको पहले सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, हम कहाँ गए हैं पहले विंडो प्लस आर, और क्या यहाँ क्या लिखे हैं नोटपैड नोटपैड में, पहले हम क्या लिखे हैं MD, उसके बाद से जितने नाम से बनाना है, आ रहा है समझो ना। चलिए इस पर नहीं कोई जरूरत नहीं, कैपिटल में भी रख सकते हैं स्मॉल में भी रख सकते हैं आप, यानी कि जिसमें देना है इसमें केस कोई मायने नहीं रखता है, आ रहा है समझ में ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ABCD अल्फाबेट के नाम से बनाना चाहते हैं, टाइप करिए ए फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई, बस यहीं तक हम रहने देते, हो जाएगा ना। इसके बाद कहाँ जाना है आपको फाइल, फाइल के बाद से उसके बाद आपको लोकेशन जहाँ देना है, जैसे सपोज करिए इस बार हम आपसे पता है क्या कह रहे हैं कि आपकी एक फोल्डर बना लीजिए डेस्कटॉप पे, न्यू फोल्डर, दिख रहा है सबको ना। अब इसका नाम आप सिर्फ फोल्डर दे दीजिए, क्या दे दीजिए फोल्डर, अब इसके अंदर वो सारा फोल्डर होना चाहिए, आ रहा है समझे ना। तो उसके लिए जब आप सेव करने जाएंगे अपने नोटपैड वाले फाइल को, फाइल पे जाइए सेव पे, और सेव के बाद से आपको कहाँ लोकेशन देना है पहले डेस्कटॉप, कहाँ देना है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के पास किस फोल्डर में, तो जिस जो हम नाम दिए फोल्डर नाम क्लिक करके यहाँ से क्या कर लेंगे ओपन, ये फाइल ओपन हो गया है ना। अब यहाँ आपको जो भी नाम देना है, जैसे हम नाम दे दिए इस बार GIT, क्या टाइप कर दिए इसमें GIT, और बिना स्पेस के लिख दिए डॉट BAT, क्या लिख दिए डॉट BAT, और इसमें यहाँ से क्या कर लेंगे सेव हो जाएगा, और यहाँ से क्या कर देना है क्लोज। तो ध्यान दीजिए एक फोल्डर दिखाई दे रहा है ना, फोल्डर ओपन कर, इसके अंदर क्या हम यही बनाए थे GIT नाम से, दिख रहा है ना, बस आप इस पे डबल क्लिक कर, कितना नाम भरे थे हम लगभग ए से लेकर के और आई, दिख रहा है सबको, हो जाएगा ना क्लियर यहाँ तक। अब दूसरा चीज कि अगर जो आप ऐसे फोल्डर बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कंट्रोल शिफ्ट रन कर रहे हैं तो बस एक ही फोल्डर का आइकन ही आ रहा है येलो कलर, दिख रहा है सबको ना। हमको आइकन चेंज करना है, यानी कि बार बार हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे आइकन लगा के हम बोर हो जा रहे हैं, हमको क्या करना है एक नया आइकन देना, आ रहा है समझ में ना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पे राइट क्लिक करना, क्या करना होगा राइट क्लिक, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज, किस ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे फिर आपके पास कुछ ऐसे विंडो आ जाए, दिख रहा है सबको ना, यही कि आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज, क्या मिलेगा कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा फोल्डर आइकन, और यहाँ मिल जाएगा चेंज आइकन, दिख रहा है। तो क्या फिलहाल अभी आपका आइकन यही दिखाई दे रहा है ना, यस ये आइकन नहीं रहता था, आपको कहाँ जाना है चेंज चेंज आइकन,
फिर इसमें से जो भी आपको आइकन चाहिए दिख रहा है सबको ना, और जो आपको लग रहा है कि हमको ऐसे वाला चाहिए क्लिक करिए, और यहाँ से क्या कर लेना है ओके करने वहां से अप्लाई। जवाब। हाँ बना सकते हैं, बताएंगे वो, अपना फोटो भी लगा सकते हैं, आ रहा समझ में ना। यहाँ से क्या करेंगे अप्लाई, और अप्लाई करके यहाँ से क्या कर देंगे आप, जैसे ओके किया क्या इसका फोल्डर चेंज हुआ दिख रहा है ना, अब आप अपना फोटो भी लगा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, बता दे अभी समझ में आ जाएगा, प्रिंट में जाना पड़ेगा उसकी, बताएं। चलिए फोटो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे ना, एक बार और ये बता दें। चलिए बता रहे हैं एक बार और, ध्यान दीजिए कि आपको पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एक फोल्डर बना लेना, क्या करना है एक फोल्डर बना लेना है, और फोल्डर बनाने के बाद आपको आइकन चेंज करना है, तो इसी आइकन पे आपको क्या करना है राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके कहाँ जाना है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको फिर कहाँ के जाना है कस्टमाइज। यहाँ क्या हुआ? नहीं यहाँ से सिक्योरिटी नहीं रख पाएगा इसमें, सिर्फ आपको ये है कि दूसरा कोई फाइल आपका यूज नहीं कर सकता है, आप इसको क्या कर सकते हैं परमिशन नहीं देंगे तो कोई काम नहीं कर पाए, सिक्योरिटी लगाने के लिए बता देंगे। आपको करना क्या है कस्टमाइज में आना है, और कस्टमाइज में आने के बाद से चेंज आइकन, अब चेंज आइकन में आने के बाद आपको जो आइकन चाहिए आप उसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से क्या कर लीजिए ओके, और ओके करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ से अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद फिर से चेंज हुआ हो जाएगा। अब रही बात हमको अपना फोटो लगाना है, या कोई हम इंटरनेट से फोटो डाउनलोड कर रहे हैं हमको वो लगाना है, आप पहले एक फोटो डाउनलोड कर लीजिए, ब्राउजर पे जाइए, ब्राउज पे जाने के बाद सर्च कर, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं नेचर इमेज, हाँ इसका लगाए इमेज में आ गए, और एक यहाँ से नेचर इमेज डाउनलोड कर, राइट क्लिक यहाँ से क्या कर लिए अच्छा सेव इमेज एज, और लोकेशन देते हैं बस डेस्कटॉप पे, कहाँ दे दिए डेस्कटॉप, और यहाँ आइकन नाम से हम सेव कर देते हैं, किस नाम से आइकन, और यहाँ से क्या कर लिए सेव, सेव हो गया है, अभी कहाँ गया है डाउनलोड होकर के डेस्कटॉप, यही डाउनलोड किया है ना, अब यही इस फोल्डर के ऊपर लगाना, तो देखिएगा क्या इधर आएगा, राइट क्लिक किए कहाँ चले गए प्रॉपर्टीज, उसके बाद से कस्टमाइज, कस्टमाइज के बाद से चेंज आइकन, चेंज आइकन के बाद से आपको जाना होगा ब्राउज पे, कहाँ जाना है ब्राउज पे, ब्राउज में आपका लोकेशन कहाँ पे है डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे है ना, तो अभी आपको आइकन नाम से कोई फोटो दिखाई नहीं दे, दिख रहा है सबको ना, तो आपको लगाना था यहाँ से आइकन फाइल फटा क्या कर ली थी आल फाइल, क्या करना है आल फाइल जैसे करेंगे तो किस नाम से था हमारा आइकन नाम से ना, दिख रहा है सबको आइकन नाम से, यही है ना, क्लियर रूप से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ से कर दीजिए आप लार्ज आइकन, अब आपको दिख जाएगा जो फोल्डर डाउनलोड किए थे, जो पिक्चर डाउनलोड किए थे, यही है ना, आइकन सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेना है ओपन, जैसे हम ओपन कर रहे थे यहाँ पे एक ईरर दे रहा है कि ये कंटेंट आपका आइकन में नहीं है, यानी कि आइकन में लगने वाला नहीं, बल्कि किस में है डॉट जेपीजी में है, यानी कि आपका फोल्डर एक इमेज में है, जब इमेज में रहेगा तो नहीं लगेगा, किस में रहेगा तो लगेगा आइकन, किस में रहेगा तो लगेगा आइकन, तो अब हमको क्या करना है इसको आइकन में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है आइकन में, सबको क्लोज कर, तो इस इमेज पे आपको राइट क्लिक करना, क्या करना है इमेज पे राइट क्लिक, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा ओपन विथ का, किसका ओपन विथ, और जैसे ओपन विथ में जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेंट, किसका ऑप्शन दिखाई देगा पेंट का, क्लिक करेंगे पेंट के ऑप्शन पे तो यहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिसाइज, क्या दिखाई देगा रिसाइज में जाना है, और यहां से आपको आ जाना है पिक्सल में, इसमें आना है पिक्सल, तो इसका साइज काफी बड़ा भी दिख रहा है, इतना बड़ा हमारा आइकन्स का भी नहीं लग, तो हमको दोनों में क्या करना है मेंटेन को हटाना है और दोनों में भरना है 100, क्या चीज, ये पिक्चर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, हाई क्वालिटी का रहेगा तो पिक्चर का साइज बढ़ाएगा, और लो क्वालिटी का रहेगा तो पिक्चर का साइज क्या होगा छोटा है, आ रहा समझे ना, लेकिन हमको आइकन लगाना है तो आइकन के लिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में 100 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 100, 100 से वो जो कम रखेंगे तो चलेगा, लेकिन 100 से ज्यादा रखेंगे तो वो नहीं चलेगा, और यहाँ से क्या कर लेना है ओके, छोटा हो गया इमेज ना, सिंपल आपको फाइल पे जाना है, सेव नहीं करना है बल्कि सेव एज करना है, सेव और सेव एज में डिफरेंट होता है,
सेव करेंगे तो उसी फाइल में सेव हो जाएगा, और सेव एज करेंगे तो वही फाइल दोबारा से सेव। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आ समझ में। चलिए हम सेव एज पे क्लिक कर दिए तो ये हमसे लोकेशन पूछेगा, लोकेशन ये आपको बताएगा आप लोगों को सेव एज के लिए। फिर कहाँ क्लिक कर दिए, डेस्कटॉप आइकन नाम से था ना, तो इसका नाम हम पहचानने के लिए कर देते हैं आइकन टू, क्या कर देते हैं आइकन टू, और यहाँ से क्या कर लिए इसको कर देंगे आपको। एक बार ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं इमेज कैसे बनाए हैं, तो इमेज पे क्या किए हैं राइट क्लिक, राइट क्लिक करके कहाँ गए हैं ओपन, उसके बाद से पेंट, पेंट में जाने वाले साइज में गए, और इमेज के साइज को यहाँ से क्या कर लिए हैं मेंटेन को ऑफ करके और दोनों में 100 कर लिए, कितना कर लिया है 100, इसमें भी 100। फिर हम क्या किए हैं ओके, ओके करने के बाद से फाइल, फाइल में जाने वाले सेव, नाम में आपको क्या देना है यहाँ पे आइकन टू दिए थे ना, चलिए आइकन थ्री दे देते हैं, लेकिन इसमें आपको एक और थोड़ा सा काम करना हो। अभी आपका सेव एज टाइप में क्या दिखा रहा है जेपीईजी, तो जेपीईजी पहले भी था हमारा नहीं लग पा रहा था ना, तो हमको करना क्या होगा जेपीईजी को हटा करके यहाँ आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन 24 बिट बिट मैप, दिख रहा सबको ना, चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं सबको दिख जाएगा। हम क्या किए यहाँ से जेपीईजी वाले ऑप्शन पे क्लिक किए, जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे ऑप्शन आया 24 बिट मैप, दिख रहा सबको ना, अब जेपीईजी जब हमको यही ले लेना है 24 बिट मैप, दिख रहा सबको ना, अब हमको क्या करना है आइकन थ्री नाम दिए हैं 24 बिट मैप दिए हैं, और यहाँ से क्या कर लेंगे सी, अब कुछ नहीं करना है आपको सिंपल है, फोल्डर पे क्या करना है राइट क्लिक, फिर कहाँ गए थे प्रॉपर्टी, उसके बाद से कस्टमाइज, उसके बाद से चेंज आई, उसके बाद कहाँ गए हैं ब्राउज, ब्राउज में बस कहाँ पे है हमारा फोल्डर, हमारा फोटो डेस्कटॉप, तो अभी फोटो तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो आइकन फाइल को हम हटा क्या कर लेंगे अल्फा, अब जैसे अल्फा फाइल करेंगे तो इमेज थ्री नाम आइकन थ्री नाम से है ना, आ जाएंगे नीचे आइकन थ्री यही है ना, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे ओपन, जैसे ओपन करेंगे आप दिखाई देने लगा यहाँ पे, अब यहाँ से क्या करना है ओके, तो फोटो जब आइकन यहाँ पे आ जा रहा था हम क्या कर रहे थे अप्लाई, और अप्लाई के बाद से ओके, क्या चेंज हुआ इस पे, अब कोई भी देखेगा कहेगा नहीं ये भी आपका फोटो है, लेकिन क्या ये फोटो है, इसको ओपन करेंगे क्या आपका फोटो में ओपन, दिख रहा है सबको ना, लेकिन जब आप यही इसको ओपन करेंगे ये आपका क्या है फोल्डर, क्लियर है सबको, तो पहले बात आप लोग प्रोसेस लिख लीजिए एक साथ कई सारा फोल्डर बनाना, एडिंग दे दीजिए एक साथ मल्टीपल फोल्डर बनाने के लिए, नहीं तो आप लोग बोलते बहुत जल्दी है, सही बात है ना, एडिंग दे दीजिए एक साथ मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करना, एक साथ मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करना, हो गया प्रोसेस डाल के लिखिए कैसे प्रोसेस देना है, दिख रहा आपको ना ऐसे प्रोसेस देना है, दिख रहा है सबको ना, अब लिखिए यहां से ओपन नोट पैड, पहले आपको क्या लिखना है ओपन नोट पैड, प्रोसेस डाल के लिखिएगा टाइप टाइप एमडी, टाइप एमडी हो गया, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा टाइप फोल्डर नेम, हाँ एमडी कोड है फार्मूला भी कहते हैं उसका, क्या है एमडी के बाद टाइप एमडी, उसका फिर प्रोसेस डाल के लिखिएगा टाइप फोल्डर नेम, टाइप फोल्डर नेम हो गया, टाइप फोल्डर नेम, फिर प्रोसेस डाल के ऐसे ही लिखिएगा सेव, सेव फाइल, सेव फाइल हो गया, अब वहां पे लिख लीजिएगा फाइल नेम, फिर प्रोसेस डाल के
फाइल नेम उसका तो वहीं पे लिखिएगा डॉट डीएटी, डॉट डीएटी, डॉट डीएटी, फिर आगे प्रोसेस आगे एक और लिख लीजिएगा सेव, आगे एक और प्रोसेस आगे सेव हो गया। अब उसके बाद से फिर प्रोसेस आगे लिख लीजिएगा ओपन डीएटी फाइल, ओपन डीएटी फाइल हो जाएगा। अब उसके नीचे लिख लीजिए दूसरा हेडिंग, फोल्डर का आइकन चेंज करना। फोल्डर का आइकन चेंज करना, हो गया सही करना, क्या लिखेंगे? फोल्डर का आइकन चेंज करना। अब लिखिए राइट क्लिक ऑन फोल्डर, राइट क्लिक ऑन फोल्डर, राइट क्लिक ऑन फोल्डर, फिर प्रोसेस आपके प्रॉपर्टीज, प्रोसेस आपके लिख लीजिए प्रॉपर्टीज, क्या लिखना है? प्रॉपर्टीज हो गया, प्रॉपर्टीज पर प्रोसेस डाल के फिर से लिख लीजिए कस्टमाइज, कस्टमाइज प्रॉपर्टीज पर क्या लिखना है? कस्टमाइज हो गया, कस्टमाइज पर से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा चेंज आइकन, क्या लिखना है? चेंज आइकन हो गया। फिर प्रोसेस आगे लिख लीजिए सेलेक्ट एनी आइकन, सेलेक्ट एनी आइकन हो गया, फिर प्रोसेस आगे ओके, पहले कहा कि ओके के बाद से अप्लाई, अप्लाई के बाद फिर ओके। एक बार और ध्यान दीजिए हम क्या बोले हैं, आप लोग से ये बोले हैं राइट क्लिक ऑन फोल्डर, फिर प्रोसेस आगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वहां से कस्टमाइज, कस्टमाइज वहां से चेंज आइकन, और उसका बोले हैं चूज एनी आइकन, फिर क्या बोले हैं? ओके, ओके के बाद से अप्लाई, और अप्लाई के बाद से हो जाएगा। अब अगला हेडिंग लिख लीजिए फोल्डर पे फोटो लगाना, फोल्डर पे फोटो लगाना, हो गया। अब लिखिए पहले डाउनलोड फोटो, डाउनलोड फोटो हो गया, फिर प्रोसेस डाल के राइट क्लिक ऑन फोटो, राइट क्लिक ऑन फोटो, राइट क्लिक ऑन फोटो, फिर प्रोसेस डाल के ओपन विथ, ओपन विथ, राइट क्लिक ऑन फोटो, ओपन विथ हो गया, ओपन विथ पास लिखिए प्रोसेस डाल के पेंट, पेंट PAINT पेंट, ओपन विथ पास क्या लिखना है? पेंट, पेंट के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिए रिसाइज, जब रिसाइज लिखिएगा ना तो रिसाइज का शॉर्टकट क्यों होता है, वही ब्रैकेट में लिख लीजिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू रिसाइज, और वही लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू हो गया। रिसाइज के बाद से लिख लीजिए यहाँ पे प्रोसेस डाल के पिक्सल, प्रोसेस डाल के पिक्सल हो गया, उसका फिर लिखे प्रोसेस डाल के ऑगमेंटेन एस्पेक्ट रेशियो,
आप पिक्सल में आने के बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख दीजिएगा ऑफ मेंटेन एस्पेक्ट रेडियो, मेंटेन एस्पेक्ट रेडियो हाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो सिर्फ मेंटेन लिख देंगे तो भी आपको याद रहेगा ना, हो जाएगा। फिर प्रोसेस आप लिख लीजिए टाइप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 100, टाइप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना 100, टाइप बस ऐसे भी लिख लीजिएगा टाइप 100, याद रहेगा दोनों 100 ही करना है। हो गया टाइप 100, टाइप 100 और जनरल, हाँ हो गया। उसका जो प्रोसेस डाल के लीजिए ओके, प्रोसेस डाल के ओके हो गया। उसका फिर प्रोसेस डाल के लिखिएगा फाइल, प्रोसेस डाल के फाइल, फाइल के बाद से सेव एज, फाइल के पास सेव एज हो गया। फिर प्रोसेस आगे लिख लीजिए चेंज फाइल नेम, चेंज फाइल नेम, प्रोसेस आगे लिख लीजिएगा सेव एज टाइप, प्रोसेस डाल के आगे सेव एज टाइप, सेव एज टाइप, और उसके बाद उसमें प्रोसेस डाल के लिख लिया जाए क्या लेना है 24 बिट मैप, सेव इस टाइप प्रोसेस डाल के 24 बिट मैप। हो गया। फिर प्रोसेस डाल के सेव, प्रोसेस डाल के सेव हो जाएगा। अब इसके आगे का प्रोसेस आप लोग लिख ही चुके हैं, लिखवाना पड़ेगा राइट क्लिक ऑन फोल्डर, प्रॉपर्टीज, कस्टमाइज, चेंज आइकन, फिर ब्राउजर, इसका आइकन को सेलेक्ट करके ओके अप्लाई करो, हो जाएगा ना। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक एक ऑप्शन लिखवा दिए, कोई छोड़े नहीं है प्रोसेस। अगर आप लोग इसमें करना भूल भी जाते हैं 10 साल के बाद जो नोट्स देखेंगे तो भी आप नोट्स सारे असाइन कर ले जाएंगे, हो जाएगा ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही।